नमस्कार जोहार सत श्री अकाल, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम। नवरात्र, देवी दुर्गा, इनकी आराधना हम करते हैं, माँ की पूजा करते हैं और माँ की पूजा का जो फल होता है वो है शक्ति की उपासना। और जब शक्ति की उपासना की जाती है तो हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो शक्ति का स्वरूप हैं और इन्हीं शक्ति के स्वरूपों से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, मिलवा रहा हूं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हिंदुस्तान की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट श्रेयसी मिश्रा मैम। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम पर। धन्यवाद आपका। मैम, शक्ति का रूप अगर आप डिफाइन करनी चाहें महिलाओं को तो किस रूप में आप करती हैं? महिलाओं को उनको अगर हम परिभाषित करें जी, तो जो महिला सक्षम हो हर तरह से, न सिर्फ शिक्षा से बल्कि उसको अपने घर में निर्णय लेने का अधिकार हो, उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता हो जी, आर्थिक स्वावलंबन हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी मर्जी का कोई काम करने के लिए उसको दूसरे से परमिशन नहीं लेना पड़े जी, अगर ये सारी चीजें उसके पास हैं, उसको अपने अधिकारों की जानकारी है और उन अधिकारों के इस्तेमाल में उसको कोई हिचक नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि वो एक सशक्त और सक्षम महिला है। क्योंकि जब आप किसी पे निर्भर होते हैं या किसी के नाम से ही आप जाने जाते हैं तो फिर वो आपकी जो छवि बनती है वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की नहीं बनती है जी। तो ऐसे में महिलाओं को जो मैं मानती हूँ कि उनका सशक्तिकरण तभी हो सकता है जो वो अपने परिवार से इसकी शुरुआत करें, उनके परिवार में उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, उनसे घर के जो मामले होते हैं उसमें उनकी राय ली जाती है कि नहीं। जब हम यहाँ से अधिकारों की बात शुरू करेंगे तब फिर हम कार्यक्षेत्र में जाएंगे और फिर जो भी प्रोफेशनल फील्ड में जहाँ भी महिलाएं हैं वहां पे फिर हम उनके अधिकारों की बात कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है घर से और आपके अपनों के बीच से होती है। बिल्कुल, अपने घर से ही शुरुआत होती है। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी पत्रकारिता में आप कैसे आई और किस तरीके से आपके परिवार का सहयोग मिला, आपके समाज से सहयोग मिला? पत्रकारिता में आना एक संयोग रहा, क्योंकि मेरा विषय जो था वो हिस्ट्री था, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से पीजी किया है जी, लेकिन मुझे लिखने का शौक बहुत बचपन से ही था, तो रेडियो वगैरह में और दूरदर्शन में मैं कार्यक्रम देती रहती थी जी। और लिखने का एक मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी लेखक हैं, रहे हैं, अब तो वो नहीं हैं, मेरे अंकल बहुत को भी साहित्य अकादमी मिल चुका है मैथिली में, तो वो भी लेखक हैं, मेरे भैया अंग्रेजी के पत्रकार हैं, तो पूरा माहौल ही हमारे यहाँ लेखन का है, शिक्षाविदों का और लेखन का माहौल है, तो ये एक स्वाभाविक रूप से लेखन मेरे आया। और जब मुझे लगा कि एक मौका मिल रहा है कि जहाँ मैं वो बातें कह सकती हूँ एक बेहतर माध्यम से और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकती है, तो फिर मैंने ये अखबार का माध्यम चुना। और मुझे लगता है कि मैंने जिन जिन विषयों पे काम किया उसको पहचान मिली, लोगों ने उसे पढ़ा, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया किसी के जीवन में, लेकिन जो बातें जो अब तक नहीं आ रही थी बहुत सारे वर्गों से जी, तो उन वर्गों की आवाज उठाने का काम मैंने किया। बिल्कुल। एक मैम सवाल ये बनता, चूंकि पत्रकारिता करती रही हैं तो कई ऐसे मौके आए होंगे, कई ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जहां आप इस तरह की महिलाओं से रूबरू हुई होंगी जो कि काफी उनको दर्द और प्रताड़ना से गुजरना पड़ा था, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगी जिसमें कोई एक महिला जो उभर करके सामने आई है और अपनी व्यथा को समाज के सामने रखा है? क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम महिलाएं जितनी हैं यहाँ पर वो बहुत मुखर नहीं हो पाती हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। जी, ऐसा है कि ऐसी घटनाएं बहुत सी हैं, और चूंकि मैं महिला आयोग और फिर महिला पुलिस थाना के काउंसलिंग सेल से जुड़ी हुई हूँ तो ऐसे कई मामलों से सबका मेरा पड़ता रहा है। लेकिन अगर हाँ घटनाओं की बात करें हम, तो उसमें मुझे याद आता है कि एक बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और उसके सीनियर ने ही किया था और उसको डरा धमका दिया था कि तुम बोलना नहीं, लेकिन उस लड़की ने बाद में हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, बाद में पेरेंट्स के थ्रू ये बात प्रिंसिपल तक आई और फिर मीडिया में भी ये बात आई, तो मुझे भेजा गया था। वो मैं उस बच्चे से मिली तो उस वो
मैं बहुत डरी सहमी हुई थी और कुछ लोग थे जो उससे ऐसे सवाल कर रहे थे जो उसके लिए उस प्रताड़ना से भी ज्यादा बड़ी प्रताड़ना साबित हो रही थी। तो उस समय मैंने यही किया था कि मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि आप इस तरह के सवाल इससे नहीं पूछे, वो भी सबके सामने जी। और लेकिन उस लड़की की मुझे हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो बहुत, मतलब उस समय उसके परिवार का कोई नहीं था और फिर भी वो अपनी शिकायत पर कायम थी, वो डरी नहीं थी और नहीं हतोत्साहित महसूस कर रही थी, उसने अपनी शिकायत रखी और बाद में फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग वगैरह ने उस पर संज्ञान लिया तो फिर मामला फिर दर्ज हुआ उसका। तो ये बातें हैं कि जब तक आप मुखर नहीं होंगे अपनी समस्याओं को लेकर और आपके साथ कुछ गलत होता है तो खुद ही को दोषी मान लेना या इसको सोशल स्टिग्मा समझ के उस पर बात नहीं करना, मुझे लगता है कि ये महिलाओं की और या लड़कियों की जो के साथ जो समस्याएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि खुद ही मुखर होना बेहद जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जो भी हमारे लिसनर इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आकर आपके इर्द गिर्द आपके समाज में या आपके साथ अगर ऐसी होती है तो ज़रूर आप संपर्क करिए उन लोगों को जिनसे आपको सहायता मिल सके। मैम, पत्रकारिता करते वक्त बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो झारखंड के परिदृश्य में मैम यहाँ क्या ऐसी संभावनाएँ हैं आपको दिखाई देती हैं जिसमें महिलाएं अच्छा कर सकती हैं, अलग अलग फील्ड की बात करें तो? मुझे लगता है कि महिलाएं यहाँ की कर रही हैं अच्छा। स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें महिलाएं काफी अच्छा कर रही हैं, यहाँ की जो लड़कियां हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक जा रही हैं। प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो उसमें भी यहाँ की लड़कियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। जब हमारे CBSE और ICSE और जैक बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि लड़कियां ही आगे, तो उनका प्रदर्शन निरंतर अच्छा हो रहा है। रही बात और मौके देने की, कि जब आप एक सम्यक समाज की संरचना करना चाहते हैं तो उसमें आपको वैसी स्थितियां भी देनी होंगी कि अगर महिला चार कदम आगे बढ़ा रही है तो आपको और उसको दो कदम आगे बढ़ने का रास्ता देना चाहिए, तब ही हम बराबरी की समाज की एक परिकल्पना जो है हमारी सच हो पाएगी। और मुझे लगता है कि हर स्तर पे जो भी नीति निर्धारक हैं और नीति निर्धारण की जो भी बातें होती हैं उसमें महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक महिला जिस तरह से नीति निर्धारण में उसकी महिलाओं के मनोभाव को समझते हुए उस तरह की बातों को रख सकती है, वैसा कितना भी प्रगतिशील पुरुष हो वो नहीं रख सकता, न्याय नहीं हो सकता। तो इसलिए महिलाओं का होना भी जरूरी है। बिल्कुल मैम, अगर मैथोलॉजी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से देवी की पूजा की जाती है उतना ही मान सम्मान देवताओं को भी मिलता है, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर जब हम आते हैं तो घर परिवार में भी ऐसा देखने को मिलता है और ये अभी भी झुठलाया नहीं जा सकता कि महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता है जिस तरीके से पुरुषों को मिलता है, तो ये अंतर ऐसा क्यों है जबकि हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाजों में महिला और पुरुषों को बराबर का हक दिया गया है? देखिए, समाज ने अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म की भी व्याख्या कर ली जी। तो इसीलिए उसको और वो पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा, तो पुरुष प्रधान समाज को जो जो बातें पुरुषों के हित में लगी उसने तो वो सब चीजें मान ली, लेकिन जहां जहां उसको लगा कि ये महिलाओं को अधिकार देने की बात है तो उन बातों को उसने ध्यान नहीं दिया। और फिर ये इस तरह के महिलाओं के माइंड को इस तरह से कंडीशन कर दिया गया कि उनको भी लगा कि यही व्यवस्था सही चल रही है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब महिलाएं मतलब अपने अधिकारों की बात करने लगी हैं और जो पुरुष हैं वो भी इन बातों को समझने लगे हैं। मुझे लगता है कि अमूमन परिवारों में अब, हालांकि अभी भी असमानता का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार जो हैं वहां पे ये स्तर पे शुरू हो गया है कि बेटे बेटियों की शिक्षा में, खाने पीने में, उनको करियर का चयन देने में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होकर ले सकते हैं। और फिर सरकार ने कई योजनाएं इस तरह की शुरू की हैं जिसमें बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे भी मदद मिली है कि उनके प्रति भेदभाव को
खत्म किया जा रहा है। रही बात देवी देवताओं की, तो जो चीजें हमें धर्म में अच्छी लगती हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग अपनाना नहीं चाहते, पुरुष हो या कोई समाज का या महिलाएं ही हो जी। तो उन चीजों को अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेकर चलें कि नहीं ये हमारे धर्म में, भाई देखो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं फिर वही हमारे परिवार में जो है उसके साथ हम भेदभाव कर, अगर हम ये तार्किक दृष्टिकोण रखें तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हमको बोलने की या किसी को भी बोलने की जरूरत है कि महिला के साथ तुम ऐसा अच्छा व्यवहार करो, वो स्वतः होगा फिर। मैम पत्रकार के दृष्टिकोण से आपने लगभग पूरा झारखंड ही घूमा होगा और कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई होंगी आप, तो अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को देखा जाए या फिर देश के अलग हिस्सों को देखा जाए और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र को देखा जाए, तो वहाँ महिलाओं को कितना अधिकार मिला हुआ है और कितना आपको लगता है कि वो अपने घर परिवार को चलाने में आगे रहती हैं? देखिए हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें घर परिवार चलाने में महिलाओं की ही भूमिका अहम रहती है। बिल्कुल, है ना। लेकिन और फिर झारखंडी समाज की बात करें तो महिलाएं ही ड्राइविंग सीट पर हैं, घर चलाने की बात हो या फिर कोई भी, वो हमसे ज्यादा अधिकार, वो जो खेतों में काम करना हो या समाज है उससे ज्यादा अधिकार संपन्न है, जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर। और मुझे लगता है कि परिवार चलाना एंड जब तक महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने की आजादी नहीं होगी तब तक ये समानता का की बातें जो है ना वो पूरा लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाएंगे। उनको आर्थिक निर्णय में लाना होगा और इसके लिए उनका आर्थिक स्वावलंबन जरूरी है। बिल्कुल, आर्थिक निर्णय में भागीदार बनाना होगा महिलाओं को, और आर्थिक स्वावलंबन जब तक नहीं आएगा महिलाओं को समानता का अधिकार मिल पाए ऐसा नहीं हो सकता। तो मैम जाते जाते हमारे लिसनर्स को नवरात्र के इन दिनों पे और शक्ति स्वरूपा को और रेडियो खांची के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो खांची के स्थापना के समय से मैंने देखा है कि इसने बहुत तरक्की की है, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट इसको मिले हैं और इसने जो युवाओं के साथ अपना एक संवाद कायम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं आशा करती हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये रेडियो खांची और भी तरक्की की ऊंचाइयां छुए। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी श्रेयसी मिश्रा मैम जो कि हिंदुस्तान की प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट हैं और शक्ति स्वरूपा में हमसे महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की उन्नति के ऊपर बात कर रही थी। आप सुन रहे थे रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।